विधानसभा के वादे लेकिन अमल नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी। एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में राज्यपाल के बजट भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान तेलंगाना सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में वादे किए जाते हैं लेकिन अमल नहीं किया जाता, पुराने शहर का अभी तक विकास नहीं हो पाया। ओवैसी ने पूछा कि पुराने शहर में मेट्रो का क्या हुआ। तेलंगाना सरकार मुस्लिम से किए गए वादे 8 साल के ऊपर हो गए, 12% मुस्लिम रिजर्वेशन का क्या हुआ, दलित बंधु में मुस्लिम बंधु कब प्रारंभ होंगे, मुस्लिम से बहुत वादे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं कर पाए। कुछ काम हुए उनकी तारीफ करेंगे लेकिन बहुत से काम है जो नहीं हुए, ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। तेलंगाना नव भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इज अ वेरी लर्नड मैन, ही इज ऑल्सो अ सीनियर मैन, वेरी क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड। I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house and it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. Aap 107 hain, zarur aap lijiye. 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर। एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है। आपका टॉलरेंस लेवल ही कम होते जा रहा है, टॉलरेट ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, अगर अकबर ओवैसी यहां खड़े रहकर 1 घंटा तारीफ करेगा तो और 1 घंटा बोलो बोलेंगे। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत वक्त पे उनको दे देगी। अचल विकास को दे रहे हैं, पुजारियों को दे रहे हैं, हम इसका भी इस्तकबाल करते हैं, देना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये काम जो अच्छे हुए हैं हम उसकी तारीफ करेंगे, जो लेकिन नहीं हुआ वो तो बोलेंगे हम बराबर। वही बात कहना चाहते हैं, आप पूरी रियासत में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, हम मुबारकबाद देते हैं आपको। वनंगल का दवाखाना 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, मुबारक आपको, अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हैदराबाद में एक उस्मानिया दवाखाना है, वो कब बनेगा? वादा किया था बनाने का, अब तक नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान में कहा मीटिंग करिए, बनाइए, सब करिए, बोलते हाईकोर्ट का है नहीं, हाईकोर्ट में भी डालें। आप हर डिस्ट्रिक्ट में दवाखाना बना रहे, अच्छा है। चार मीनार का दवाखाना है, उसको भी बनाइए। हम यही बात कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, हम यहां खड़े होकर नाइंसाफी पे आवाज उठाते हैं तो जरूर हम जो हुकूमत की जानिब से मिलता है हम उसको फरामोश भी नहीं करते, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हां, हैदराबाद तरक्की कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल हर जगह पे तरक्कियाती सरगर्मियां जारी हैं, तो मैं कह रहा हूं कि साउथ में भी होना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं साहब, हो तो रहा है लेकिन जिस तेजी से होना है उस तेजी से नहीं हो रहा है। जिस तेजी के साथ हाईटेक सिटी में होता है, जिस तेजी के साथ न्यू सिटी में होता है, उसी तेजी से ओल्ड सिटी में नहीं हो रहा है। यही तो बात कह रहा हूं। मंजूरी दी गई है, कहां हुआ साहब? सर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 10 साल पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेडियम को मंजूर किया गया, 10 साल हो चुके हैं, आज तक भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्या इस तेजी से हो रहा है? आज ये काम की जो हम निशानदेही कर रहे हैं, अब मैं स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब की तवज्जो लाना चाहता हूं इस बात पे। क्या 5 साल से ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि लाड़ बाजार को डेवलप करेंगे बोले थे,
एमएलएस की टीम गई थी, क्या डेवलप हुआ? सर, व्हेन आई गॉट इलेक्टेड फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम इन 2004, राइट फ्रॉम 2004 आई एम फाइटिंग फॉर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट। 2004 सर, क्या कंप्लीट हुआ? सर, आप इसको तनकीद में ना लें, आप इसको ये समझ के आप मेरी बात को सुनिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमको भी आवाम के सामने जाना है, आपको भी आवाम के पास जाना है। हम आवाम को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? कितने साल लगेंगे चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए? क्या ये मेरी बात गलत है कि लास्ट बजट में आपने, अभी तो ये बजट अभी है, चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, 500 करोड़ रुपए ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए दिए गए थे, क्या मेट्रो का काम शुरू हुआ? क्या मेट्रो आई या कुछ पहल हो रही है? हाईटेक सिटी शमशाबाद एयरपोर्ट वो लिंक, दूसरे लिंक्स आप पूरे कर रहे हैं, बेशक करिए, ये मेरा शहर है, ये मेरी रियासत है, यहां पे खुशहाली, यहां पे तरक्की आनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात है कि चौ तरफ तरक्की हो रही है लेकिन उस तरफ नहीं होगी? मैं याद दिलाना चाहता हूं मिनिस्टर साहब को, लास्ट बजट के इजलास में, लास्ट सेशन में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से दर्दमंदाना अपील की थी कि पुराने शहर के रोड वाइडनिंग्स के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। मुझे माफ करें ऑनरेबल स्पीकर साहब, केटीआर साहब आप मुझे माफ करें, लेकिन सीएम साहब ऐलान कर रहे थे कि हां कुछ 1000 करोड़ रुपया दे देंगे पुराने शहर के लिए। आपने जाकर कहा कि नहीं हम कर देते हैं पूरा। सीएम साहब ने उठकर कहा कि अकबर साहब पूरी वाइडनिंग हो जाएगी। सर, 1980 से वाइडनिंग अभी भी पेंडिंग है। सर, क्या आप बताइए, अगर मैं यहां खड़े रहकर अगर बात कर रहा हूं तो इस आंख से ना देखें कि एक मुसलमान खड़े होकर बात कर रहा है, नहीं, या मुसलमान के लिए बात कर रहा हूं, नहीं, हां मैं मुसलमान के लिए बात करता हूं, हां मैं पुराने शहर की बात करता हूं, हां मैं तेलंगाना की बात करता हूं, हां करता हूं मुसलमान की, इसलिए करता हूं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूं, जिम्मेदार हूं, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि जो कमजोर है, जो पसमानदा है, जो पीछे है, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाऊं। ताकतवर का हाथ तो सब थामेगा, कमजोर का हाथ कौन थामेगा? अगर हम अवामी नुमाइंदे अगर कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और आज अगर मैं बात कर रहा हूं मुसलमान को आगे लाने की, तो मुसलमान जब आगे आ जाएगा तो अगर कोई मुसलमान के पीछे अगर कोई हिंदू रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस हिंदू सिख ईसाई का भी हाथ पकड़कर उसको भी सामने लाने की कोशिश करेगा। इसी से तो हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। एसआरडीपी के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं साहब ओल्ड सिटी में बताइए। एसआरडीपी सेकेंड फेज हम बोले, क्या सेकेंड फेज एसआरडीपी में, क्या जो चंद्रायन गुट्टे के फ्लाईओवर्स का हमने जिक्र किया, क्या वो लिया गया? मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, बजट में ले लीजिए, बजट नहीं साहब, मैं जरा बोलता हूं साहब, इसमें खत्म करता हूं। सर, मैं मिनिस्टर साहब ने वादा किया था। सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ, इस कुर्सी की इज्जत करते हुए मौजरत खाई के साथ कहना चाहता हूं, स्पीकर साहब 1 साल हो गया, मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मीटिंग बुलाएंगे, बहादुरपुरे में आईटीआई का था, कई इश्यूज थे, 1 साल में क्या मीटिंग बुलाए? सर इस ऐवान में वादा किया जाता है क्या? ऐवान में जो तयखुन दिया जाता है, जो जबान दी जाती है, क्या उसकी भी अहमियत नहीं है? क्या उसका भी एहतराम नहीं है? आप बताइए स्पीकर साहब, आप बोलिए, आपकी मौजूदगी में कहा गया कि जरूर मीटिंग बुलाएंगे, क्या आज तक मीटिंग हुई? हमने जूनियर कॉलेज के लिए कहा था, बहादुरपुर में आईटीआई के लिए कहा था, इंक्यूबेटर्स के लिए कहा था, स्टार्टअप्स के लिए कहा था कि वो जो एससी एसटी को जो आप दे रहे हैं वो मुसलमानों को दीजिए,
ऑन पार विद एससीएसटीज का वादा किया गया, ऑन पार विद एससीएसटीज क्या हुआ, क्या रिव्यू हुआ? मैं जानता हूं चीफ मिनिस्टर साहब मसरूफ रहते हैं, मैं जानता हूं केटीआर साहब भी मसरूफ है, मैं जानता हूं कि सारे मिनिस्टर्स मसरूफ है, उनसे दरखास्त करूंगा सबसे, आप लोग मसरूफ है, हमको एक आदमी बता दीजिए जिसके पास हम जाके मिल सकते हैं, मिल लेंगे, खड़े रह जाएंगे, आपके चपरासी से भी मिलना बोले तो मिल लेंगे, तेलंगाना के लिए, पुराने शहर के लिए, हमारी आवाम के लिए हम खड़े रह जाएंगे, मगर मिलिए तो सही कोई, वादा तो पूरा कीजिए। सर नए स्पीकर साहब बोलने दीजिए मुझे, सर मैं बजट पे ही बोल, बजट पे बोलेंगे साहब, इस पे भी बोलना है, बजट पे भी बोलेंगे, बजट पे आने का इश्यू है ना, हर वक्त यही बोले साहब, सेशन बढ़ा देंगे, विंटर सेशन आ जाएगा, 15 दिन कर देंगे, कितने हुए साहब 2014 से लेकर, अगर हम देखेंगे फिगर्स है साहब मेरे पास, फिगर्स है, 126 दिन हुए थे, अब ये 5 साल 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम, टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग, अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही, बोलने दीजिए साहब, पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब, कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे, लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, नहीं आए तो फिर हम नहीं आए, तो हम नहीं आए तो क्या, हाँ तो क्या, देखिए मैं तसादुम करना नहीं चाहता, मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलिए बोलने दीजिए हमको, प्लीज कंक्लूड, वही तो बोल रहा हूं मैं, तो आप माइक नहीं लेते आप वैसे ही बोलते हैं, आप माइक लेकर बोलिए ना, अकबर साहब बोलिए आप, प्लीज कंक्लूड, इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, शिकायत क्या है साहब, शिकायत क्या है बताइए।